बिहार में जातिगत गणना के बाद नीतीश सरकार ने आरक्षण का दायरा 15% और बढ़ाने का फैसला लिया है। चारों तरफ इस फैसले को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन ये कब लागू होगा इसे अभी नहीं कहा जा सकता। अब नीतीश सरकार के फैसले के बाद बिहार में आरक्षण की सीमा 75% हो जाएगी। इसका मतलब है कि सिर्फ 25% सीटें ही ओपन कैटेगरी के लिए बचेंगी। कास्ट सर्वे की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने के बाद सीएम नीतीश ने कहा कि आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए शीतकालीन सत्र के दौरान ही विधेयक लाया जाएगा। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बाद आरक्षण की अधिकतम सीमा पहले ही 60% हो चुकी है और तमिलनाडु समेत कई राज्य ऐसे भी हैं जहां आरक्षण की सीमा 60% से ज्यादा है। इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत सरकार 1992 केस में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। आरक्षण सालों से आरक्षण के मुद्दे को लेकर देश में बात होती आई है और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे बिहार में बढ़ते आरक्षण को लेकर। पहले बिल में प्रावधान जरा समझ लीजिए, अति पिछड़ा वर्ग 18, उसके बाद 25, पिछड़ा वर्ग 12%, फिर 18%, अनुसूचित जाति 16%, अब 20%, अनुसूचित जनजाति 1%, अब 2%, जाति आरक्षण कुल 50% और अब 65%। बिहार में जातिगत गणना के बाद नीतीश सरकार ने आरक्षण का दायरा 15% और बढ़ाने का फैसला लिया है। चारों तरफ इस फैसले को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन ये कब लागू होगा इसे अभी नहीं कहा जा सकता। ये फैसला आबादी में जातियों के अनुपात में नौकरी और शिक्षा में प्रतिनिधित्व तय करने के लिए लिहाज से लिया गया। 2019 में 103वें संविधान संशोधन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण के बाद पहले से ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय की गई अधिकतम 50% कोटे की सीमा पार हो चुकी थी। अब नीतीश सरकार के फैसले के बाद बिहार में आरक्षण की सीमा 75% हो जाएगी। इसका मतलब है कि सिर्फ 25% सीटें ही ओपन कैटेगरी के लिए बचेंगी। कास्ट सर्वे की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने के बाद सीएम नीतीश ने कहा कि आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए शीतकालीन सत्र के दौरान ही विधेयक लाया जाएगा। अब आगे आरक्षण पर बात करूं उससे पहले एक प्रकाश में डालना चाहूंगी एक वाक्य पर। जब नीतीश बीजेपी की गठबंधन की सरकार थी बिहार में और तेजस्वी यादव ये कहते थे कि हम जब आएंगे सत्ता में तो हम 10 लाख नौकरियां देंगे, हुआ ये कि पहले बीजेपी और नीतीश बाबू साथ साथ थे, सरकार चल रही थी, लेकिन गठजोड़ करके महागठबंधन की सरकार बन गई। अब 14 से 15 महीने का वक्त बीत गया है और तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि 2 साल बीजेपी ने बर्बाद कर दिए वरना हम तो 10 लाख नौकरियां दे ही देते। हालांकि 1.20 लाख नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं अभी कुछ दिन पहले ही, अब कितनी नौकरियां लेंगे खैर इसका इंतजार। अब विपक्ष भी इस प्रस्ताव के पक्ष में नजर आ रहा है। अब बिहार में आरक्षण को थोड़ा सा समझ लेते हैं। बिहार में फिलहाल ईडब्ल्यूएस को छोड़कर एससी एसटी ओबीसी ईबीसी को कुल मिलाकर 50% आरक्षण मिला हुआ है। इस रिजर्वेशन फॉर्मूले को भी कभी नीतीश सरकार ने ही तय किया था। इस फॉर्मूले के तहत एससी को 16%, एसटी को 1%, पिछड़ा वर्ग को 30% और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 3% आरक्षण की व्यवस्था है। इस तरह कुल आरक्षण 50% था। प्रस्तावित नए फॉर्मूले में अगर हम बात करें तो एससी को 20%, एसटी को 2% और पिछड़े वर्ग को 43% आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। इस तरह कुल आरक्षण 50 से बढ़कर 65% हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण इससे अलग है। बिहार में नए फॉर्मूले के तहत कुल 75% आरक्षण हो जाएगा, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ। अब समझिए कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये फैसला एक ऐतिहासिक बात से जुड़ा हुआ है जिस पर अब मैं बात करूंगी। ये इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से तय की गई 50% सीमा का 1.5 गुना हो जाएगा। जाहिर है आरक्षण की नई व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने की पूरी संभावना है। हो सकता है कि नीतीश सरकार नए रिजर्वेशन फॉर्मूले को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखने के लिए संविधान की 9वीं अनुसूची का रास्ता अख्तियार करे। विधानसभा के इसी शीतकालीन सत्र में इसे लेकर तस्वीर भी साफ हो सकती है, हालांकि ऐसा अब नजर नहीं आ रहा है।
ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बाद आरक्षण की अधिकतम सीमा पहले ही 60% हो चुकी है और तमिलनाडु समेत कई राज्य ऐसे भी हैं जहां आरक्षण की सीमा 60% से ज्यादा है। इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत सरकार 1992 केस में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। 9 जजों की संविधान पीठ ने 6-3 के बहुमत से जाति आधारित आरक्षण की अधिकतम सीमा की लकीर खींच दी, जो 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। साल 1991 में केंद्र की तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने आर्थिक आधार पर सामान्य श्रेणी के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला लिया था, जिसे इंदिरा साहनी ने कोर्ट में चुनौती दी थी। इसी फैसले के काट के लिए 1993 में तमिलनाडु सरकार ने संविधान की 9वीं अनुसूची का सहारा लेकर नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में अधिकतम आरक्षण को करीब करीब 70% कर दिया था। इसमें 18% SC, 1% ST, 20% मोस्ट बैकवर्ड कास्ट यानी कि MBC और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 30% आरक्षण की व्यवस्था। इतना ही नहीं, तमिलनाडु में OBC कोटे के अंदर ही अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। इसमें मुस्लिमों के लिए 3.5% रिजर्वेशन भी शामिल है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये 9वीं अनुसूची क्या है, तो जरा इस पर भी गौर कर लेते हैं। संविधान की 9वीं अनुसूची क्या है? तमिलनाडु ने आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा रखने के लिए संविधान की जिस 9वीं अनुसूची का सहारा लिया, आखिर वो क्या है? 9वीं अनुसूची को संविधान में पहले संविधान संशोधन 1951 से जोड़ा गया था। संविधान के अनुच्छेद 31A और 31B के तहत इसमें शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखा गया, यानी उन्हें न्यायिक समीक्षा से संरक्षण हासिल है। और ज्यादा आसान भाषा में अगर कहें तो संविधान की 9वीं सूची में जो कानून शामिल होते हैं उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसकी समीक्षा नहीं कर सकते। इसलिए अक्सर आरक्षण से जुड़े कानूनों को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने की मांग होती रही है। 1951 में 9वीं अनुसूची बनने पर भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन समेत कुल 13 कानूनों को इसमें जोड़ा गया था। दरअसल आजादी के बाद से जब भारत में भूमि सुधार को शुरू किया गया तो उसे यूपी, MP और बिहार में कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ा था। तो ये है 9वीं अनुसूची और इसको असंवैधानिक करार भी दिया गया। अगर हम बात करें देश में आरक्षण की स्थिति अभी क्या है, तो जरा इस पर भी गौर कर लीजिएगा। केंद्र सरकार की नौकरियां और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण OBC को 27%, SC के लिए 15%, अनुसूचित जनजाति के लिए यानी कि ST 7.5% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। राज्य में फॉर्मूला अलग अलग हो सकता है। 2019 में 103 में संविधान संशोधन के जरिए EWC के लिए 10% आरक्षण अलग से व्यवस्था है, यानी अब केंद्र स्तर पर आरक्षण की अधिकतम सीमा 60% हो चुकी है। राज्य में SC, ST और OBC का आरक्षण वहां की आबादी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है आरक्षण को लेकर? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आरक्षण मूलभूत अधिकार नहीं है, ये एक मौलिक अधिकार है। 3 साल पहले 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर बहुत अहम टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। दरअसल तमिलनाडु के तमाम राजनीतिक दलों ने शीर्ष अदालत से राज्य में मेडिकल और डेंटल कोर्स के ऑल इंडिया कोटे में OBC के लिए 50% आरक्षण लागू करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की थी। उस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एल नागेश्वर राव की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि आरक्षण का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। उसके बाद राजनीतिक दलों को अपनी याचिका वापस लेनी पड़ी। इससे पहले उसी साल फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पदोन्नति में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं हो सकता। 9वीं अनुसूची का फिर इसमें जिक्र किया गया है, यानी अगर इस पूरे मामले को समझा जाए तो अधिकतम 50% आरक्षण का नियम इतना पवित्र नहीं जो उल्लंघन ही ना हो, केंद्र की तरफ से कहा गया है। सितंबर 2022 में EWS आरक्षण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि अधिकतम आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर हो सकती है। केंद्र ने दलील दी कि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा ना हो, ये नियम प्रमुख है तो, लेकिन इसे इतना पवित्र नहीं बनाया जा सकता कि संविधान के बुनियादी ढांचे जैसा हो जाए। केंद्र ने EWC आरक्षण को संविधान की मूल भावना के अनुरूप बताते हुए तर्क दिया था कि प्रस्तावना में भी आर्थिक न्याय का जिक्र है। 103वां संविधान संशोधन इसी को सुनिश्चित करता है। अब ये बात मैं क्यों कर रही थी, इतना कुछ मैंने क्यों बोला, इसीलिए क्योंकि ऑलरेडी 50% आरक्षण था, उसके बाद फिर 65% इसे कर दिया गया है। अब 10% वो ECW का जोड़ लिया जाए तो 75% आरक्षण हो गया है। हालांकि इसमें विपक्ष भी साथ दे रहा है नीतीश सरकार का, और नीतीश सरकार ये कह रही है कि हम आर्थिक तौर पर और नौकरियों में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी नौकरियां हों, शैक्षणिक संस्थान हों, वहां पर हम आरक्षण देंगे। तो क्या ये जो बातें हुई हैं, 9वीं अनुसूची की बात हुई हो या फिर कोर्ट के दिए तर्क हों,
क्या इससे सरकार उभर पाएगी, क्या आगे आ पाएगी? क्योंकि यहाँ तो आपने पास करा लिया बिल, लेकिन क्या इसे कानूनी रूप आप दे पाएंगे? बड़ा सवाल ये है कि क्या नीतीश सरकार इस फैसले, अगर केंद्र की तरफ से भी समर्थन मिल जाता है तो कोर्ट में आकर पेंच फंस सकता है। सो अभी तो बहुत खुशी हो रही है कि हमने बिल पास करा दिया, हम प्रस्ताव लेकर आए, हम आरक्षण को बढ़ा रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या ये सियासी तौर पर हो रहा है? क्योंकि अगर ये अभी लागू नहीं हो रहा है तो फिर ये 2024 के लिहाज से हो रहा है, या तो फिर आप इसे अभी लागू करिए, कोशिश करिए। अब नीतीश सरकार क्या एक्शन लेती है, खैर इस पर नज़र बनी रहेगी, लेकिन वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आरक्षण के बारे में आप लोग कितना जानते हैं और आरक्षण को आप कैसे समझते हैं और भारत में आरक्षण के क्या मायने हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट का इंतज़ार रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।